ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले शास्त्रा जी ने हमें कॉल किया था, जो जानना चाहती थी जेपी ग्रीन्स में इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है। प्रदीप जी, देखिए, आपने 151 सेक्टर के प्रोजेक्ट के बारे में बात की है। अब मेरे को उस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको क्लियर करूं कि मैं रिसेंटली उस एरिया में अभी नहीं गया हूं, मैंने अभी प्रेजेंट नहीं देखा है। बेटर है कि आप उस एरिया में एक बार जाके देख लीजिए कि डेवलपर द्वारा क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। डेवलपर से आप डॉक्यूमेंटेशन वर्क की डिमांड भी कर सकते हैं, पेपर्स की डिमांड कर सकते हैं कि अथॉरिटी से जो अलॉटमेंट लेटर है, पोजीशन लेटर है, और कितनी पेमेंट डेवलपर कर चुका है, वहाँ बैंक लोन्स ऑलरेडी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सारे चेक्स हैं। कुछ आप अगर उसे चेक कर लें तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक आपका डर वो क्लियर हो जाएगा। सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं। डेवलपर बड़ा है और प्रोजेक्ट वाइज, लोकेशन भी वाइज मेरे को कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, एक्सप्रेसवे की लोकेशन भी है, तो एक बार आप देख के सर्वे करके उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट में हाथ डालें। जी, यानी थोड़ी सी सर्वे कर, थोड़ा सा रिसर्च कर ले, वहां जाकर देखें कि क्या किस तरीके से काम चल रहा है, और उसके बाद प्रोजेक्ट में ऐसी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। अमित जी, यहाँ पर एक बार लोन का जो बेनिफिट हमें मिलता है, टैक्स बेनिफिट, उस पर भी बात कर लेते हैं। लोन पे हमें दरअसल दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं। एक तो होता है आपका इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर, जो आपने होम लोन ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट जाती है उसका हमें 1.5 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 24B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो और उसके अलावा 1 लाख रुपए का बेनिफिट हमें और मिलता है सेक्शन 80C के अंडर। 80C के अंडर जो बेनिफिट है वो प्रिंसिपल रीपेमेंट के ऊपर है। जो आपने लोन लिया, एक हिस्सा आप उसका ब्याज के तौर पर चुकाते हैं, एक हिस्सा उसका प्रिंसिपल या असल उसका चुकाते हैं, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको सेक्शन 24B के अंडर मिलता है अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। और ये जो सेक्शन 80C जो है वो आपको मिलता है प्रिंसिपल रीपेमेंट का एज इन्वेस्टमेंट इनटू ए हाउस। सो आपके कुल मिला के एक आप जब होम लोन लेते हैं आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, और हमारे साथ कॉलर हैं एक सुरुचि जी गुड़गांव से, उनका सवाल ले लेते हैं। सुरुचि जी, सवाल पूछिए अपना। मुझे पता करना है, मेरा एक फ्लैट है क्रॉसिंग रिपब्लिक में 2 BHK, जिसका भी पोजीशन मुझे 1 महीने में मिलने वाला है। मुझे पता करना है, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मेरे को भी इसको होल्ड करना चाहिए, आगे से क्या एप्रिसिएशन के चांसेस हैं, प्लस यहाँ पे जो मेट्रो प्रपोज है वो कब तक आएगा, और एक NH24 को लेके पूछना था कि कब तक उसका काम आगे शुरू होने वाला है, और वहाँ पे जो डंपिंग यार्ड का एक इश्यू है वो कितना सही है और क्या उसका इफेक्ट पड़ने वाला है कॉस्ट रिपब्लिक के ऊपर। चलिए, तो पूरा डेवलपमेंट के बारे में पूछना चाहती हूँ। देखिए, मैं डंपिंग यार्ड के बारे में आपको क्लियर कर दूं, अभी तक पूरी चीजें क्लियर नहीं हुई है, अभी एज इट इज वो मामला पड़ा हुआ है। उम्मीद पूरी है कि वो चीजें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होती तो क्रॉसिंग पब्लिक रिपब्लिक के लिए वो एरिया थोड़ा सा दिक्कत देने वाला जरूर है। मैं कहूंगा कि अगर आप इस रूट से एग्जिट ले सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से आप एग्जिट लेके दूसरी तरफ भी आप लालकुआ की तरफ भी देख सकते हैं, इंद्रपुरम की तरफ देख सकते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर डिसीजन होगा। NH24 का चौड़ा होने का काम भी बहुत जल्दी अच्छा फुल स्विंग में होने वाला है शुरू, तो ओवरऑल इस बेल्ट के ऊपर मुझे ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट नजर आ रही है। तो NH24 पे लालकुआ का एक एरिया है जो कि NH24 पे इंद्रपुरम विजयनगर के बाद आता है, उस एरिया में आप देखिए, वहां पे आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। जी चलिए, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सुरुचि जी, आप वो ऑप्शंस भी देख सकती हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं जीबी वाजपेयी जी। जी वाजपेयी जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें वाजपेयी जी? चलिए, हमारे साथ अभी फिलहाल वो फोन लाइन पर नहीं है। अब कार्यक्रम हमारा बिल्कुल आखिरी में पहुंच चुका है, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जैसे बीच जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेमंत जी हमारे साथ हैं। जी हेमंत जी, पूछिए, सवाल क्या है आपका? हेलो 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 जी हेमंत जी, क्या सवाल है आपका हमारे एक्सपर्ट से, पूछिए। हेलो, आवाज मिल रही है हेमंत जी आपको? हेलो, चलिए नहीं है अभी हमारे साथ नहीं है। आखिरी में मैं आपसे थोड़ी सी टिप्स चाहूंगी अमित जी, बिल्कुल संक्षेप में अगर आप बता पाएं कि थोड़ी सी टिप्स हमारे दर्शकों के लिए। जहां तक हाउसिंग लोन का सवाल है,
मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोन को कम से कम लीजिए, ये कोशिश मत कीजिए कि भाई मेरे को टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट चाहे 1.5 लाख रुपए लग जाए मेरे को टैक्स बेनिफिट तो मिल रहा है। अल्टीमेटली आप ये देखिए आपको टैक्स बेनिफिट उसके ऊपर मिल रहा है जो आपने पेमेंट अपने पास से करी, आपकी वो कमाई से पैसा गया हुआ, तो टैक्स बेनिफिट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की बजाय आप कोशिश कीजिए कि जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम से कम आप करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सेविंग्स हैं, अगर आपने एफडी में 8-9% पे पैसा लगा रखा है तो आप उस कोशिश कीजिए कि उस एफडी को लिक्विडेट करवा के भी अगर आप रीपेमेंट करते हैं तो अभी ये फ़ायदे का सौदा रहेगा। या आप कोई और आपने ऐसी स्कीम ले रखी है, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती हैं और आती हैं, उनकी बजाय आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पेमेंट जो है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाने की बजाय अपना लोन रीपेमेंट के ऊपर खास तौर से ध्यान दीजिए। रीपेमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मां प्रदीप जी, हाँ देखिए, मैं तो कहूँगा, अमित जी कहेंगे कि लोन आप कम लो, और मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मार्केट आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ओवरऑल अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको 3 साल में पैसा डबल करके देती है। अगर आपको लगता है कि आप जिस प्रॉपर्टी में जा रहे हैं वहाँ 3 साल में प्रॉपर्टी डबल हो सकती है, तो मैं कहूँगा आप अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा यूज़ कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। 3 साल का इंटरेस्ट पार्ट और प्रिंसिपल को मिला के भी आपको ओवरऑल प्रॉपर्टी जो रिटर्न देगी वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो आप लोन लेने में घबराइए मत, अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी को यूज़ करके मार्केट में उसे रोटेट कर सकते हैं तो प्रॉपर्टी आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जी। मैं प्रदीप जी की बात से सहमत हूँ। जी आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो ऐसे कि मेरा जो कहने का मतलब था वो था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि आप उसको किसी भी हालत में लिक्विडेट नहीं कर सकते, घर तो जी आपको चाहिए ही चाहिए रहने के रहने लिए। के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के नजरिए से आपको लग रहा है कि हाँ आपको 12-14% पे एक होम लोन लेके आपको 30-40% का इंक्रीमेंट दिख रहा है और काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपने अच्छी रिसर्च करी है, तो आई वुड से वाई नॉट। अल्टीमेटली अगर आपको कमाई हो रही है तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बुरा कुछ होता है, आप उसको लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी अड़चन आ सकती है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर सकते हैं। बिल्कुल लेकिन सेम डजेंट अप्लाई टू योर एंड सेल्फ यूजर ऑक्यूपाइड के लिए। प्रॉपर्टी, जी सो दोनों उसके लिए अलग अलग राय हो जाती हैं। चलिए, तो आज के डिस्कशन में जितने भी बातें की हैं हमने होम लोन से संबंधित, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उन्हें उसे ध्यान से सुना होगा, और होम लोन लेने से पहले आप उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो बातें हमारे एक्सपर्ट्स ने कही हैं। इसी के साथ आप दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी थैंक हमारे कार्यक्रम में यू शामिल होने के लिए। प्रॉपर्टी बाजार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।